एक बंदा जिदे ते माइनिंग दे आरोप लगे है, माइनिंग माफिया जिनू कहा जाता है, गिनिया जाता है, ओदे ते पुलिस कार्रवाई करती है, प्रशासन कार्रवाई करता है, ते ए उन्हू सवेरे उठ के बचाउन चल जाते हैं। साथियों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी क्यों बनी, उन्होंने एक ही नारा सीगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन ली जिहड़ी करप्शन है खत्म की जाएगी, माइनिंग माफिया नू बचा ले, संरक्षण देने लई साडे अज दे जिहड़े MLA है उत्थे जाके पहुंच जाते हैं, धरना देने लई बैठ जाते हैं। कोई होर कोई चंगा बंदा कोई चंगा वर्कर नहीं लभ उस बंदे लिए धरना दे रहा जिहड़ा माइनिंग माफिया के नाम तो मशहूर है। 99 वाला नरेश उही है ना जिहड़ा किसी भी सरपंच पंच ते चपेड़ा मार हुंदा सी, किसी भी अफसर के ढिड च खुडे मार हुंदा सी, किसी भी बंदूक दिखा के किसी के ढिड चला दिंदा सी, उही वाला 94 वाला नरेश ना असीं जानते हैं सारे। थोड़ा शिष्टाचार रखो, थोड़ा हौसला रखो, अपनी शब्दावली तो थोड़ा जिहा काबू रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण ठाकुर सुजानपुर क्षेत्र तो। अज एक सुजानपुर क्षेत्र च धरना प्रदर्शन होया जो कि साढ़े इतों के MLA कांग्रेस के विधायक नरेश पुरी जी ने सुजानपुर थाने के बाहर लाया, अपने समर्थकों का इकट्ठ करके उन्होंने एक धरना लाया। और धरना क्यों लाया, किदे वास्ते लाया, वो अपने आप च एक चिंता का विषय भी है और मैं समझता बड़ा हास्यास्पद भी है। एक बंदा जिदे ते माइनिंग दे आरोप लगे है, माइनिंग माफिया जिन्हू कहा जाता है, गिणिया जाता है, ओदे ते पुलिस कार्रवाई करती है, प्रशासन कार्रवाई करता है, ते ए उन्हू सवेरे उठ के बचाउन चल जांदे, उन्हू थाने ओदे धरना लाउन चल जांदे है ओदे समर्थन दे विच। साथियों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी क्यों बनी, उन्होंने एक ही नारा सीगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई जिहड़ी करप्शन है खत्म की जाएगी। और करप्शन किदां खत्म होनी है, जिदां जदों इदां दे बंदे जिहड़े गलत काम करते हैं जिन्हां नूं माइनिंग माफिया कहा जाता है उन्हां ते नकेल कसी जाएगी। प्रशासन कानून अपना काम करेगा, उस तो बाद ही साढ़े पंजाब लई साढ़े सुजानपुर क्षेत्र लई रेवन्यू जनरेट होएगा, वो पैसा लोगों लई खर्च किया जाएगा जदों असी इस माइनिंग माफिया ते नकेल पावांगे। और उसे माइनिंग माफिया नूं बचाने लई संरक्षण देने लई साढ़े अज दे जिहड़े MLA है वो उत्थे जाके पहुंच जाते हैं, धरना देने लई बैठ जाते हैं। इन्हां नूं कोई होर कोई चंगा बंदा कोई चंगा वर्कर नहीं लभ उस बंदे लिए धरना दे रहा जिहड़ा माइनिंग माफिया के नाम तो मशहूर है, ते अपने आप च किन्नी चिंता की गल, इस बारे तुहानू विचार करना चाहिए। ते दूसरी गल मैं ये कहना चाहना कि तुसी साडे जिहड़े MLA उन्हां दी भाषा उन्हां दी शब्दावली 94 वाला नरेश जाग जाएगा, मैं हाथ च चूड़ियां नहीं पाईआं। 94 वाला नरेश उही है ना जिहड़ा किसी भी सरपंच पंच ते चपेड़ा मार हुंदा सी, किसी भी अफसर के ढिड च खुडे मार हुंदा सी, किसी नूं भी बंदूक दिखा के किसी दे ढिड चला दिंदा सी, उही वाला 94 वाला नरेश ना असीं जानदे हां सारे, कोई नवीं गल नहीं है। दूसरी गल इहने इह कह रहे साडे MLA जी मैं चूड़ियां नहीं पाईआं, ते हथ साडे भी चंगी तरह देख लैणे, चूड़ियां असीं भी नहीं पाईआं। और तीसरी गल कह रहे कि मैं घर वड़ जांगा, मैं पता लग जाएगा किन्ने मादा दुध पीता किन्ने कि नहीं पीता। MLA साहब, तुसी नवा नवा जुमा जुमा बने हो, इदा दी शब्दावली ना वरतो। मां दा दुध पीता नहीं पीता वो ते पता लग ही जाना, पहले तुसी ये दस दो तुहाडी माता जी है कित्थे अज दी डेट च, किहदे नाल रह रहे है, तुहाडे नाल रह रहे है। चलो खैर, ये व्यक्तिगत गल्लां इहदे च नहीं पैणा चाहीदा, बट अपने गिरे बांझ झाउं के अपने समर्थकों नाल लोकां नाल गल करनी चाहिए, क्योंकि तुहाडे तों बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। तुसीं एक बंदे लई जिहदे ते आरोप लगे उहदे वास्ते धरना देने गए हो, तुहाडे तों की उम्मीद की जा सकती है कि तुसीं कितना भला करोगे सुजानपुर क्षेत्र का। कोई चंगे काम वास्ते जाते धरना देओ, कोई प्रोजेक्ट लई धरना देने जाते असीं भी तुहाडे नाल हो जाते, कोई इंडस्ट्री वास्ते धरना देओ,
कोई इंप्लॉयमेंट वास्ते धरना देना असीं तुहाडे नाल चलांगे। एक माइनिंग माफिया जिहड़ा बंदा जिहनूं कहा जांदा उहदे लई तुसीं धरना देण जा रहे हो ते धरना जे देना सीगा ते धरना इह दिओ कि इत्थे सारे उह बंद कर दिओ थाणे ही बंद कर दिओ काम ही मुक्के। थोड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ ਥੋੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਾਬੂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈ ਪੰਜਾਬ।